वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों चलाए जा रहे गुरमत कॉलेज विच शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब अध्ययन कोर्स दे तीवें सैशन की शुरुआत कल गुरुद्वारा साहब विखे गुरु महाराज के आशीर्वाद नाल अरदास करके की गई। जिहड़े पुराने विद्यार्थी ने इस कोर्स दे वो सारे इस गल नूं भलीभांत जाणदे ने कि आरंभता दी अरदास शनिचरवार जदों भी उत्थे हो के ते अगले दिन ऐतवार नूं असीं इत्थे जिहड़े भी साडे विशे ने तुहानूं सारिआं नूं ब्रोशर्स मिल गए ने, जिहड़े विशे ने उहनां विशिआं दे उप्पर वख वख विद्वान सज्जनां वल्लों इत्थे पुज के आप सब नूं उस विषय की विस्थारित जानकारी आप जी दे नाल सांझी की जाती है। अज का जो विशा पहले लैक्चर का है वह है रिलीजन एंड लाइफ, धर्म अते जीवन। साडे जीवन दे विच धर्म की की महत्ता है, की इंपोर्टेंस है, तो अज दे इस विषय के उपर साडे नाल विचारां दी सांझ करन लई मेरे बड़े सत्कारयोग डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तीन यूनिवर्सिटीज़ दे विच इस वक्त सेवा निभा रहे ने। पंजाबी यूनिवर्सिटी डीन दी सेवा है, ओपन यूनिवर्सिटी विच एडवाइज़र ने, और गुरु महाराज की कृपा नाल बहुत लंबे समय तो मैं भी अज तो 20 साल पहला इसे गुरमत कॉलेज का विद्यार्थी होंदया हो पासों सिक्ख्या प्राप्त की है। उस वक्त भी इतने एक क्लासा लैन आते सन, इस सन 2000 तो लैके 2002 की गल कर रहा मैं, तो उन्होंने दिनों भी असं इन्हों को पढ़े, तो उस तो बाद सेवावान होर बड़िया वधिया गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की। इन्हां दे लैक्चर नूं सुनण तो पहला मैं केवल 2 मिनट लई जो गुरमत कॉलेज मैं हुणे तुहाडे नाल गल कीती, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वल्लों जो कॉलेज चलाया जा रहा है, तो इस कॉलेज की जिहड़ी जिम्मेवारी है एज ए चेयरमैन मेरे सत्कारयोग वीर सरदार जतिंदर पाल सिंह जी गोल्डी, उन्हां नूं दिल्ली कमेटी ने यह सेवा दी गुरमत कॉलेज की। वो पहला 2 मिनट लई आप संगतां दे सामने आप नूं डॉक्टर साहब नूं जी आया कहणगे, उस तो उपरंत आपां डॉक्टर साहब कोलों अज दे विषय ते जो विचारां दी सांझ आ ओह करनी है। सरदार जतिंदर पाल सिंह जी गोल्डी, चेयरमैन गुरमत कॉलेज। आज दी साडी थोड़ा मेरा गला खराब है, आवाज़ खो नहीं चला। आज दे साढ़े तीवें सैशन की आरंभता शिरकत कर रही समूह साध संगत और सत्कारयोग मेरे डॉक्टर साहब डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी, जिहड़े कि मैं समझना कि अपने च अपने एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिन्हें तो गुरु साहब की अपार बख्शिश है, जिहड़े कि हुण इस तों मेरे पहले सत्कार जो भी हरपाल सिंह जी ने आप जी ने उन्होंने बारे दस्सिया कि कित्थे कित्थे कि सेवावां च हाजिर बन रहे हैं। उन्होंने नाल ही सत्कार योग सरदार सुखदेव सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब तो ओपन यूनिवर्सिटी तो भी स्टाल आए ने, उन्होंने जी आई आखते हैं। हरकिशन सिंह जी, सरदार हरकिशन सिंह जी, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी तो वह भी पहुंचे हैं, मैं उन्होंने भी जी आई आखदा। सुरेंद्र पाल सिंह जी इंचार्ज सिख मिशन श्रोमणी कमेटी तो वह भी हाजिरी पा रहे हैं। अंगद पाल सिंह रिसर्च स्कॉलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, सारे पतवते सज्जन जो इतने पहुंचे हैं, मैं सारे गुरमत कॉलेज और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले जी आई आखदा फतेह की सांझ पाना। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगत
जिस तरह कि जाप जी जानते हो कि साडा अज दा जो साडा 30वां सेशन जो गुरु साहब की कृपा सदके आरंभ होने जा रहा है, साडा विषय गुरु ग्रंथ साहब शॉर्ट टर्म के उत्ते है, और जो कि साडा 3 महीने का साडा एक कोर्स है। मैं समझना पिछले तकरीबन 2 महीनों तो करोना महामारी करके यह सारा प्रबंध सारा सिस्टम पूरा बंद पिया सी। शुक्र है गुरु साहब का, गुरु तेग बहादुर साहब ने कृपा की, तरस किया, फिर दोबारा तो महाराज की अपार बख्शिश हुई कि असी फिर सारे आपस रूबरू हो रहे हैं, एक टेबल पर बह के एक थान पर बह के गुरु की गल करना सानू मौका मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करा डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने साढ़े छोटी जी गल उत्ते छोटी जी बेनती से कर सदके सानू प्रवानगी दे के इतने आके असीसा दित्तियां ने। लेकिन इस बार जो असं कोर्स शुरू कर जा रहे हैं, साड़ी कोशिश है कि इस कोर्स में जिते असं घर उत्ते बैठ के सारे जिहड़े आ रहे हैं एज फिजिकली आ रहे हैं, जिहड़े नहीं इत्थे आ सकते उन्हां असीं जूम के उत्ते भी इहदा प्रबंध किया है। साड़ी कोशिश यही है कि असं इस कोर्स में घर घर पहुँचाइए। सच जानना असं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे आ, रोज़ मत्था टेकने, रोज़ सोने रुमाले चढ़ाने, रोज़ सिर चढ़ाने, पर लेकिन गुरु ग्रंथ साहब नूं मनने पर गुरु ग्रंथ साहब दी नहीं मनते। असी मेरी गल बुरा ना मनना, मैं जो आप जी नूं आख रहा यह मेरे मन की गल है। गुरु ग्रंथ साहब सानू की समझाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब ने सानू की सोझी देनी, असी उस सोझी वल करनी तुरे। लेकिन अज लोड़ है सानू गुरु शब्द का विचार करने लई, गुरु के शब्द उत्ते पहरा देने लई, गुरु के शब्द नूं अपने हिरदे वसाउण लई, और इस उपराले नूं अगे चलाउण वास्ते साडे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी जिन्होंने सानू संपूर्ण सहयोग दिता है, और दास वे तेरी सेवा जो बिदास की झोली च पाई है। साड़ी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय के अंदर डॉक्टर साहब को असं कहें डॉक्टर साहब की उंगली फड़ के तुरना सीखांगे, सानू कुछ आंदा नहीं, कि सानू गुरु मेहर करे जिथे असं यह कोर्स जाएंगे। इस डॉक्टर साहब सानू वादा कर रहे हैं कि आने वाले समय जिहड़े ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हो सानू इत्थे अप्लाई कर सानू सेवा देंगे, और मैं धन्यवाद करांगा। एक जयकार असं इन्हें धन्यवाद भी करिए, और जी नारायण भी आखिए जिहड़ी सानू असीसा दी इन्होंने, वो गुरु साहब बख्शिश करन, असी इन्हें मगर मगर तुर के कोशिश करांगे कि घर घर के अंदर गुरु के शब्द का प्रचार हो सके, गुरबाणी नाल जिहड़े जुड़न वाले हैं जिहड़े प्रेमी हैं उन्होंने होर वध तों उसदा लाहा मिल सके। बोले सो निहाल, इन्हां शब्दां नाल ही मैं हरपाल जी जी बहुत बेनती करांगा कि अज दे सेशन की अगली प्रकार वही शुरू की जाए। फिर दोबारा धन्यवाद सत्कार डॉक्टर साहब का, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। धन्यवाद गोल्डी जी का। नवें इस सैशन की आरंभता दे लई डॉक्टर साहब नूं जी आया कहिंदे होइआं गोल्डी जी ने जो जिम्मेवारी उन्हां नूं मिली दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों, उस जिम्मेवारी नूं निभांदे आ इस कोर्स नूं दोबारा आरंभ करदे आ, ते साडी बेनती नूं प्रवान कीता डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी ने, ते अज दे इस पहले और दूसरे दोनों लैक्चर डॉक्टर साहब ने करने ने। हुणे डॉक्टर साहब पहला लैक्चर जिवें मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया है, धर्म अते जीवन रिलीजन एंड लाइफ, ये साडा अज दा पहला विशा होएगा। इत्थे डॉक्टर साहब सानू जो भी विस्थारित जानकारी इस विषय बारे देणगे, मैं वेख रहा सारे दे हत्थां विच कॉपी पेन हैगे ने, बहुत चंगी गल है, क्योंकि जदों तक असी इस नूं अपने नोट डाउन नहीं करांगे तो गल कई तो भुल जाती है। इनू नोट डाउन करांगे तां जो फिर जिवें तुहानू पहले भी पता है जिहड़े पुराने विद्यार्थी ने, टोटल साढ़े 44 लैक्चरस ने, 44 लैक्चर ने। एक दिन दे विच दो लैक्चर होया करनगे, दो शनिवार नूं दो एतवार नूं। इन्हां सारे लैक्चरस तो बाद आप जी का इम्तिहान भी लिया जाना है, प्रीख्या ली जानी है, एग्जाम होएगा, तो उस दे विचों फिर असी एक रिजल्ट डिकलेयर करांगे। जिवें कल भी कीता सी 29वें सैशन का रिजल्ट तुहाडे विचों जिहड़े शामिल सन, ते जिहड़े फस्ट प्राइज़ विनर होणगे उन्हां नूं 11,000 रुपया, सैकेंड प्राइज़ विनर नूं 5100, थर्ड प्राइज़ विनर नूं 3100, ते 10 कंसोलेशन प्राइजेज़ होणगे जो 1100 रुपए दे। ये सारा प्रोग्राम आप जी दे नाल जिवें जिवें आपां रोज़ हर हफ्ते जुड़ के बैठांगे आप जी दे नाल साझा किया जाया करेगा। हुण मैं ज़्यादा समा नहीं लैणा, मैं बेनती करांगा डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी, डीन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला,
वो साढ़े को इतने आ गए तो अज के पहले लैक्चर की आरंभता करे रिलीजन एंड लाइफ डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी। थैंक यू वेरी मच सरदार हरपाल सिंह जी। चेयरमैन भाजी हरपाल सिंह जी, मेरे दो पुराने विद्यार्थी तरिंदर जसबीर हरपाल सिंह, साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो तीन गल्लां तुहाडे नाल पहला लैक्चर तो कि हरपाल सिंह होरां ने मैनूं दस्सिया ते ब्रोशर भी दिता कि साडा ये पैटर्न आ जिहदे ते तुसीं लैक्चर करने ने ते जिन्हां दे टाइटल भी इन्हां ने दसे। मैं थोड़ी जी खुल लवांगा कि टाइटल दी जिहड़ी बाउंडरीज ने उन्हां नूं पार करके कुछ मैं नवीआं गल्लां तुहाडे नाल सांझीआं करां ता कि जिहड़ा डायलॉग है आउण वाले जिहड़े 40 दिन 60 दिन जिहड़ा है वह बहुत सार्थक होवे, कि सानूं बेसिक समझ लगे कि धर्म की हुंदा है ते धर्म ग्रंथ की हुंदा है। साडा दिखांतक पहलू यह है, साडी ट्रैजडी ये है कि असी सिक्खी दी डायलॉग नूं बहुत सीमित कर दिता है। असी केवल आपस विच गल करी जाने हां, अदर नाल असी गल नहीं करते। तो साडा जिहड़ा बापू सी, साडा पैगंबर सच्चा पातशाह हजूर सतगुरु नानक, वो अदर नाल गल करते ने, दूजे नाल गल करते। वड्डे इशू जिहड़े ने वो पिछले लगभग 50 साल तो रेज होए, तो वो रेज जिहड़े प्रश्न होए वो अदर वालों किए गए जिन्हां ने वड्डे क्वेश्चन गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते उठाए। वो उन्हां दे विच बहुते लोग जिहड़े सन वो क्रिश्चियन सन ते अंग्रेज ने। हुणे-हुणे मैं असी उन्हां दे उत्तर दे विच एक पुस्तक लिखी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी छाप रही है, अंग्रेजी च किताब है क्योंकि उन्होंने प्रश्न अंग्रेजी च ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते रेज होए ने। पर मतलब साडी दिखांतक पहलू यह है कि सानू ना तो बंदियां बारे पता है जिहड़े प्रश्न रेज करते हैं, तो ना ही असी उन्हां दे उत्तर देण दा यतन किया है, क्योंकि सानू महाराज ने एक काम दिता सी, वह काम कल्ला नहीं सी दिता। असी लंगर तक सीमित कर लिया कि असी पूरे हिंदुस्तान नूं रजा देना है, असी पूरे संसार नूं रजा देना है, तो साडा घर जिहड़ा वो वापर रहा है उत्थे जो मर्जी होवे। पर मॉडर्न ईरा दे विच आधुनिक युग दे विच इवें गल चलनी नहीं। अपनी पातशाह का बड़ा खूबसूरत हुक्म है कि वक्त विचारे सो बंदा होए। सो सानू विचारना पैना है, सानू रिव्यू करना पैना है। मैनू याद है कि मैं इस कॉलेज का आरंभला अध्यापक हाँ, कि जिस दिन पहले दिन क्लास शुरू हुई सी मैं इस कॉलेज गोल्डी साहब पहला विद्यार्थी पहला अध्यापक सा। इतों के ही बड़े सुगड़ सियाने विद्वान यूनिवर्सिटी गए सन, उन्हां दे विच कलमोहन सिंह सन, प्रिंसीपल मनमोहन सिंह सन, तो प्रिंसीपल नरेंद्रपाल सिंह सन, दो नाल होर सी मैनूं उन्हां दे नाम याद नहीं। जदों उन्हां ने कहा सी कि असी गुरमत कॉलेज आरंभ करना चाहुंदे हां, वो असी आख्या कि ते पॉसीबल नहीं कि यूनिवर्सिटी दीआं अपनीआं सीमावां ने, तो उन्हां सीमावां तो पार जाके असी अपना सेंटर स्टैबलिश नहीं कर सकते। उस वेले साडी यूनिवर्सिटी दे मैं अजे रंगरूट सां, तो मैनूं याद है कि शायद मैं लैक्चरर भी नहीं सी बने, मैं PhD करदा सी। वाइस चांसलर नाल गल कीती ते वाइस चांसलर ने कहा कि आपां धर्म दी गल करनी है ना, सिक्खी दी गल करनी है ना, तो फिर सिक्खी ते धर्म लई बाउंडरीज कादियां होईआं, गो अहैड। चलो सेंटर स्टैबलिश हो गया, इन्ना खूबसूरत सेंटर चलिया। पुराने विद्यार्थियों याद होएगा बैठे ने कि इत्थे एक तो बाद एक
यूनिवर्सिटी दीयां डिग्रियां दा जिहड़ी पढ़ाई सी वह शुरू होनी शुरू हो गई। अते मैं बड़े फखर नाल तुहानूं इह दसदा, मैनूं प्राउड हो रहा इस गल दा कि इसे सेंटर दे विच दिल्ली दे लगभग 5 विद्यार्थी साढ़े सेंटर दे माध्यम राहीं ते उहनां दे विचों 3 विद्यार्थी मेरे कोलों PhD करके डॉक्टर बने। पर समें दे नाल ये सिखां दी समस्या है नगार होया ते वेंदियां वेंदियां गुरमत कॉलेज खिलर गया। ये बड़ा दखांतक पहलू सी कि एक यूनिवर्सिटी ने तुहानू रिकगनाइजेशन दिती जिहड़ी मिलदी नहीं। यूनिवर्सिटी विच लखां रुपया जमा करवाउणा पैंदा है ते फिर वह रिकगनाइजेशन दिंदी है, फिर तुहानू अफिलिएट करदी है। पर इस करके कि गल सिखी दी है, गल धर्म दी है, सिखी तो भी अगे गल धर्म दी है ते ये गल उत्थे होनी है जिथे माता सुंदरी जी का स्थान है। पर उही होया जो होना सी ते हौली हौली बिखर गया। मैं अज जदों हरपाल सिंह होरां ने मैनूं फोन किया कि आउणा है ते मैं कहा सॉरी हरपाल सिंह मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत मेरे रझेवे ने, मेरी इमोशनल जिहड़ी आ जिहड़ा मेरा मोह है इहदे नाल इस धरती दे नाल सदीवी है, क्योंकि जो मैं जिन्ना ग्रो इस धरती तों आण के कीता, मेरी पहली किताब जिहड़ी है वह मैं इत्थे बैठ के लिखी सी ते इह वेखो इट्स नॉट माई ईगो, ये कोई मेरे होमे नहीं है। पर मैनू लोग याद कर लग पे कि सरबजिंदर कौन तुरकी बाणी वाला, वर्ल्ड वाइड ये गल गई कि तुरकी बाणी वाला सरबजिंदर है। ये बख्शिश, मैं इनू बख्शिश कर मनूंगा कि ये बख्शिश। तो मैं रंगरूट के तौर पर आया थी जिवें तुसीं अज आए जो सारे, तो इस वेले बाबा जी की यहो जी बख्शिश कृपा है कि 3 यूनिवर्सिटियां दे विच मैं वड्डे रुतबियां, रुतबे का कोई अर्थ नहीं हुंदा पर यह बख्शिश है, तो मैं रिलीजन दे स्फीयर दे विच उन्हां 3 वड्डे रुतबियां ते विराजमान हां 3 यूनिवर्सिटियां। हरपाल सिंह होरां नूं मैं कहा भी सॉरी मैं नहीं आ सकता, तो मेरे आउण दा ना आउण दा कारण जिहड़ा सी उह इह सी कि यार एड्डा वड्डा इंस्टीट्यूशन अस्टैबलिश कर दिता तो सिखां ने उहनूं खेरू खेरू कर दिता कि ये दोबारा रीकंस्ट्रक्ट कर लैणगे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰੰਗ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੋਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਿਰ ਪਿੰਜ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਉ। ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਕਬੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੋਪ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੋਪ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਰਗ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਰ ਛਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਲੈ ਜਾ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹ ਸੰਗਤ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 2.5 ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫੀਚਰ ਦੱਸੋ, ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਪ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਨਾਲੋਂ ਤਰਿੰਦਰ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਤਰਿੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹਰਪਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਪਾਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲਡੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਰਿੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਲੇ ਜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਫੇਥ ਹੈ, FAITH ਫੇਥ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਵਿਚ ਇਜ ਬਿਗਰ, ਆਈਦਰ ਫੇਥ ਔਰ ਏ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਏ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲੈਬ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐੱਚ ਬੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਯਾਰ ਸਰਵਜਿੰਦਰ, ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐੱਚ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ 4, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 12, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਗੜਬੜ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਬੂਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ 'ਚ 12 ਲਿਖਤਾ 4 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ, ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਆਸਕ ਮੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਗਿਵ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਵਿਚ ਇਜ ਬਿਗਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਥ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਫੇਥ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫੇਥ ਮੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰਿੰਦਰ ਕਿ ਫੇਥ ਮੀ ਯਾਰ ਫੇਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਫੇਥ ਮੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਥ ਫੇਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਵੀਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲਡੀ ਜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਰੀ ਵਿਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲ ਮੀ ਵਿਚ ਇਜ ਬਿਗਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਓ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਮਿਸਟਰ ਪੋਪ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਐਂਡ ਵਿਲ ਗਿਵ ਟੈਲ ਯੂ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫੀਚਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਤਾਬ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖੇ ਬਾਜੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿੰਪਨੀ ਟੂ ਕਵਿਲ ਸਿੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਵੀਨਾਰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿੰਪਨੀ ਟੂ ਕਵਿਲ ਸਿੰਪਨੀ ਕਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਓ ਸਦੈਵ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕੇਵਲ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ 'ਚ ਆ ਗਏ 4 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜਗਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮ 'ਚ ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਕਿ ਪੱਛਮ ਮੀਨ ਨਾਟ ਯੂਰਪ ਪੱਛਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ 8 ਧਰਮ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 8 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ 4 ਧਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ
तो वह कुछ एक निचोड़ जोड़ा एक घंटे दो घंटे आप गल कर जिन्ना भी टाइम तुम मैं दोगे उस हिसाब ना आप करा तो मैं तो भावें 10 घंटे ला छो हरपाल सिंह जी मैं तो बोली जाना मैं बोलने तो बिना आता कुछ नहीं मैं बोलने तो बिना कुछ नहीं आता सो की है कि चार जड़े पछम च पैदा हुए मैं पहले उन्होंने गल करा जिहड़ा सब तो पुराना है तुहानूं पता ही होगा उन्होंने कहिंदे ने ओल्ड टैसटामेंट ओटी ओल्ड टैसटामेंट तो ओल्ड टैसटामेंट जिहड़ा है यहूदियों का धर्म ग्रंथ है तुहानूं सारयां नूं पता होगा ये बड़ा खूबसूरत है जे तुसीं यहूदी धर्म ग्रंथ इहदी इंट्रोडक्शन पढ़ो ओल्ड टैसटामेंट की अठे दे अठे धर्म ग्रंथ जिहड़े ने मैं तुहानूं गिफ्ट रूप में लिया के दूंगा जी तां कि इत्थे दिखा लो उहनां नूं कि 8 धर्म ग्रंथ ने तन ये जिन्ना चिर मेरे घर के 8 ही धर्म ग्रंथ ने तो मैं लगता कि मैं तुम कहोगे कि बहुत आकड़खोर जहा लगता पर मेरी हम मेहनी सच्ची गल है कि वह मैं लगता कि 8 धर्म ग्रंथा की शरशार बारिश हो रही मेरे घर के अमृत की क्योंकि 8 ही मेरे घर ने तो दो मैं दावे ना कहना कि किसी के घर नहीं है 8 मैं आस्ट्रेलिया तो सिंगापुर आ रहा रस्ते दे विच एक मैनू अफ्रीकन कुड़ी बच्ची मिली उदो छेवीं सदवीं पढ़ती सी वह मैं कला सिख सी उस जहाज दे विच ते वह मेरे को आई मेरी दाढ़ी ने पग ने अट्रैक्ट किया मैनू के आन के कहती कैन आई से यू डैड मैं क्या वाई नॉट आई एम योर डैड कैन आई सिट विद यू श्योर यू कैन सिट विद मी बैठ गई उस दिन तो लेके अज तक वो मेरी बेटी है हुण वड्डी हो गई है तो आप होर कुछ दिनों उहदा विआह है उदों वट्सअप नहीं सी ते उहन मैनू मेल करिया करनी रोज़ ते मतलब हैगा कि मैनू एक दिन पुछदी कि डैड की कर रहे जो मैं क्या घर बना रहा अच्छा कि नहीं मेरा कमरा मैं तेरा कमरा फस्ट फ्लोर ते आ रंग कर दिओ मैं ठीक है ए रंग कर देंगे मैं तुहानूं दस रहा कि जिहड़ा है ना कि बजुर्गी बा अकल लस्त ना बसाल कि बजुर्गी का संबंध जिहड़ा है अकल ना हुंदा है उम्र ना नहीं तो उहने मैनूं बच्ची ने अकल किवें दित्ती वो मैनूं पुछदी एक दिन कि डैड आसमाना का कमरा बनाया आसमान समझते रब का मैं आख्या नहीं यार सॉरी कहिंदी दैट्स रॉन्ग छुट्टी है 8वीं 7वीं पढ़ती तो मैं कह रही है कि आसमाना का कमरा बनाया मैं क्या नहीं कहती तो गलत है जितों सारा कुछ ही लेना डैड वो कहते बनाया ही नहीं तो मैं काम रोक के मिस्त्री ने कहा कि मेरे पुत्र ने कहा है सब तो खूबसूरत कमरा एक उपर बना तो सच्ची मेरा सब तो खूबसूरत कमरा जोड़ा है मेरे घर के है जिते वो 8 प्रकाशमान ने जोड़े आसमाना तो उतरे ने सो निकी जी बच्ची ने मैनू एक दस्या मैनू ये उस समय तक यह भी नहीं पता कि 8 ने गिणती हालांकि मैं टीचर सा उस सबजैक्ट का तो उन्होंने की है कि सब तो पहला है ओल्ड टैसटामेंट यहूदियों का दुनिया के जदों ये मनिया जाता है यहूदियों के अनुसार कि साडा सब तो पहला रब नाल समझौता होया ओल्ड टैसटामेंट मीन ट्रिटी विद द अल्टीमेट रियालिटी रब दे नाल समझौता तो वह पवित्र पुस्तक जिहड़ी है धरत उत्ते उतरी आसमाना दे माध्यम राही क्योंकि उहदे विच मैनशन है कि इहदे विच कुछ भी साडा नहीं है ये परमेश्वर दे बोल ने अगली है जिहड़ी पुस्तक वह है जेंद अवेस्ता जिहनूं पारसियां दा धर्म ग्रंथ कहा जाता है तीसरी है न्यू टैसटामेंट जिहड़ा ईसाइयां दा धर्म ग्रंथ है ते चौथी है पवित्र कुरान ये चार धर्म ग्रंथ जिहड़े ने ये पश्चिम दे ने हिंदुस्तान च आ जाओ ते चार धर्म ग्रंथ जिहड़े ने इत्थे ने इन्हां चौं दे विच जिहड़ा सब तो पुराना है मन्निया जांदा है उहने पवित्र वेद जिहड़ा सैकेंड है वह है जैनियां का धर्म ग्रंथ जिहनूं कहा जांदा है पवित्र अंग वेखो वह कितना खूबसूरत नाम है
कि जे बॉडी का कोई अंग ना हो आप कहने अपंग है वह कहते कि जे अंग ना होंगे संसार के संसार अपंग होंदा अंग। तीसरा है त्रिपिटक, बोधियां का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक। ते चौथा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अठ धर्म ग्रंथ हो गए, साध संगत है राजे। सब तो पहला जड़ा है वो ओल्ड टेस्टामेंट ओटी, फिर जेंद अवेस्ता जजा जजे दे उते लावा नाल बिंदी दद्दा ऐड़ा ववे नू लावा ससा तत्ता जां थत्थे दे करना अवेस्ता। न्यू टेस्टामेंट एनिटी ते पवित्र कुरान अगे जाके मैं तुहानू दसदा कि ओल्ड टेस्टामेंट ते न्यू टेस्टामेंट किवें होगी, क्योंकि इहदियां सीमावां जिहड़ियां गोल्डी साहब आप वधा देणियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब नू समझना है, गुरु नानक नू समझना है, ते बाकी धर्म ग्रंथां दा तुहानू पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं दावे ना कह देना कि सिख सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहिब नू नहीं समझ सकते, जिन्ना चिर तक वो अदर धर्म नू नहीं समझणगे। ते बाबा फिर ये आपां बार बार कहने साडे कोल सिद्ध गोस्त आ, साडे कोल सिद्ध गोस्त आ, ते सिद्ध गोस्त कहण नू थोड़ी आ यार, सिद्ध गोस्त ते चलना है असीं। ते बाबा की कर रहा है, सिद्ध गोस्त ते किवें चलता है, कित्थे जाके पहुँच जाता है, किवें पहुँचता है। मैं इराक दे विच गया ते वो जगह वेखी ते मैं हैरान सां कि बाबा यार इत्थे किवें आ गया। तो चलो वो वक्री गल है। हिंदुस्तान दे विच वेद अंग त्रिपिटक अते गुरु ग्रंथ साहिब ये अठ धर्म ग्रंथ हो गए। हुण जिहड़ा खूबसूरत पहलू है, जिहड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है, जिहड़ा सिखां ने किसे नूं नहीं दस्सिया, जिहड़ा सिखां नूं भी नहीं पता, दसना तो की सी यार, गुस्सा ना करियो। अज आपां ये लर्न करना है, ते आ जिहड़े बैठे ने 100 जणे, ये 100 जदों अगे इन्हां नूं होर नूं दसणगे ते असीं कित्थों तक पहुँच जाँगे कि गुरु ग्रंथ साहिब की है। एक आलवेज रिमैंबर इट कि मैं इत्थे एक सिख दे तौर पर संबोधित नहीं हो रहा, मैं स्टूडेंट ऑफ रिलीजन हाँ। जदों मैं लैबोरेटरी जा गया, मेरा मैं धर्म के तौर पर नहीं संबोधित कर रहा, मैं एक विद्यार्थी के तौर पर संबोधित कर रहा, तो सारे धर्म जिहड़े ने मेरे प्यारे ने। तो की है कि इन्हां अठां धर्म ग्रंथां दे विच वेखण वाली जिहड़ी गल है कि विलक्षण की है। मित्र प्यारिओ, इन्हां अठां धर्म ग्रंथां दे विच जिहड़े 7 धर्म ग्रंथ ने वह मौखिक रवायत आए ने, दैट इज कॉल्ड ओरल ट्रेडिशन, हजारां साल मैमरी च पए रहे, मुख च पए रहे, लिखे नहीं गए। 7 इन्हां दे विचों 7 जिहड़े ने, जे होर भी सौखा मैं करदा, ते ओ विद्वाना ने लिखे ने, किसे धर्म दे बाबे नानक ने नहीं लिखे, किसे धर्म दे पैगंबर ने नहीं लिखे। इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि 7 धर्म ग्रंथ जिहड़े ने ओ विद्वाना ने लिखे ने, ते सैकड़े तो लिखे हजारां साल बाद लिखे ने। इको ही धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिहड़ा खुद बाबे नानक ने अपनी कलम नाल लिखिया है। इको ही धर्म ग्रंथ, मैं फिर कहूँगा, नॉट बीइंग ए सिख, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ रिलीजन विद फैक्चुअल ट्रूथ विद फैक्ट एंड फिगर, मैं ये ताडे नाल गल कर रहा वा, ते जे इफ यू विल रेज द क्वेश्चन दैन आई विल प्रूव इट इन एनी स्फीयर। ते यही मेरी डायलॉग जिहड़ी सी पोप जी ना सी कि ताड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ सैकड़े साल बाद लिखिया गया, इंटिल मी मिस्टर पोप, कि किसे बंदे दी इन्नी मैमरी शार्प है कि उदे विचों अखर कन्ना मुक्ता वादा काटा ना हो, कि हजारां साल लिखे हुए बोल जे गुरु नानक सच्चे पातशाह ना लिख दे ते सरबजिंदर लिखदा गुरु ग्रंथ साहिब नूं, ते मैं की कर दिंदा तुहानू भी पता मैनू पता। तो बाबा नानक जिहड़ा है वो लिखदा क्यों है, दिस इज द नैक्सट क्वेश्चन, कि बाबा नानक आप क्यों लिख रहा है। पंचम पातशाह ने कंपाइल किया
1599 में शुरू होया, दो साल तैयारियां ते लगे, 1601 नु लिखना शुरू होया ते 1604 नु कंप्लीट हो गया। पर बट रिमेंबर इट कि 15 भगतां दी जिहड़ी पवित्र बाणी है वह गुरु पातशाह ने आप कलैक्ट की, आप ही उसकी ट्रांसलिटरेशन की। ट्रांसलिटरेशन दैट इज कॉल्ड लिपि अंतरण, कि भगत जयदेव के बोल जड़े ने वो बंगला च ने, उन्हां च छेड़छाड़ नहीं की थी बाबे ने, उन्हू गुरमुखी च रूपांतरण कर दिता। गुरमुखी लिपि के माध्यम राही पंजाबी दे विच उस उन्हां प्रश्नां नू, उन्हां पवित्र बाणी नू साढ़े सामने रूपमान कर दिता। इस करके जदों तुसी कमंत्री पद्धर ते पैगंबरां दी दुनिया, पैगंबरां दी दुनिया अठ ही पैगंबर ने यार संसार दे विच, जे अठ धर्म ग्रंथ ने तो अठ ही धर्म बाणी होणगे ना। सच्चा पातशाह हजूर गुरु नानक साढ़े प्रॉफ ढोडा साढ़े बाणी ने आप कहने ना, तो बाकी नौ गुरु साहब की ने उन्हां दे उत्तराधिकारी, यही शब्द वरते ना कि नौ गुरु पातशाह वो जोत ने जिन्हां ते काम करते हैं तो उन्होंने उत्तराधिकारी ने। साडा पैगंबर कौन है? सच्चा पातशाह हजूर गुरु नानक पातशाह, बाकियों के भी इंज ने। तो की है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह नू ये पैगंबरां दी हिस्ट्री दे विच याद किवें कीता जांदा है, तुसीं मैनूं दस्स दो दावे ना कि जितां नूं पता सी अज तों बाद, पहलां च पता सी उन्हां नूं की कहिंदे ने, प्रॉफिट ऑफ पेन, कलम दा पैगंबर, इक्को ही दुनिया दा पैगंबर है यार, जिवें इक्को ही धर्म ग्रंथ है संसार च जिहड़ा लिखित परंपरा चों आया है, ओरल चों नहीं आया। इस करके जमा घटाओ का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिहड़ी 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 बाणी बाबा नानक जी के हत्थां चों निकल गई उस च जमा घटाओ हो ही किवें सकता है। तो इक्को ही प्रॉफिट जिहड़ा कलम का पैगंबर है, आई विल प्रूव इट इफ यू आस्क मी, कि दुनिया भर के धर्म ग्रंथों के चले जाओ, दुनिया भर की धर्म हिस्टरी के चले जाओ, तुहानू एक भी एग्जैम्पल नहीं मिलेगी कि फलाना पैगंबर कलम का पैगंबर है, क्योंकि किसी ने कलम चुकी नहीं, पातशाह चुकते हैं। तो पातशाह चुकते क्यों ने यह सानू पता नहीं, तो यह पता करने लई असी एक कोर्स ज्वाइन किया है। रवायती गल्लां करो, बहुत करो, ट्रडिशन बहुत वड्डी होंदी है, ट्रडिशन बहुत प्यारी होंदी है, मैं नहीं कहिंदा असी करांगे, पर जेकर तुसी अदर दे नाल डायलॉग च पैना है, क्योंकि समा अदर दे नाल डायलॉग बार्डर ते टुट जाने ने। होर मतलब तुम वेखियो दुनिया के भारत बार्डर खोलते हैं उन्होंने, कनेडा तुरे जाते साढ़े लोग, आस्ट्रेलिया तुरे जाते, न्यूजीलैंड पता नहीं कितने कितने तुरे जाते हैं। तो जो तुरे जाते हैं तो असी अदर ना गलबात करनी है, तो जो अदर ने पुछना है तुसी की जो, तो सानू दसना पैना है साड़ी समस्या की है कि हजारां लखां गुरुद्वारे साढ़े यार असी अदर नाल गल ही नहीं करते, अं भज जाने क्यों नहीं दसते, पुरच ता कसूर नहीं है क्योंकि तुम दसिया ही नहीं। जे तुहानू नहीं दसणगे तुहाडा कसूर की है? जा मैकलॉड ट्रंप ते दो तीन उहदे उहनां दे सिख चेले भी हुण उहनां ने पिछे बड़ी ऊधम मचाई, गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते वड्डे क्वेश्चन खड़े कीते कि इहदे उत्ते आह क्वेश्चन मार्क खड़े हुंदे। हुण मैनूं नहीं पता कि तुसीं ट्रंप बारे कोई जाणदे जो, मैनूं नहीं पता तुसीं मैकलॉड बारे जाणदे जो, पर जेकर ट्रंप ते मैकलॉड की रीढ़ की हड्डी तुसीं ना भन्नी अपने शब्दों के माध्यम ने, यह नहीं डांग चुके चल जाना वर्षा पड़ के भी रीढ़ की हड्डी भन्नी, असीं तो अपने शब्द असीं तो अपनी डायलॉग दे, क्योंकि वेखो युग डांग का नहीं है, युग इनफॉर्मेशन का है। फस्ट वन ताड़ी जरूरत की है? टू कलैक्ट द इनफॉर्मेशन, ज्ञान प्राप्त करो। इनफॉर्मेशन कली नहीं, क्योंकि इनफॉर्मेशन जिहड़ी है ना साडी समस्या की है कि जदों इनफॉर्मेशन हो तो आ जाती है असी ज्ञानी हो जाने, इनफॉर्मेशन ही ज्ञान समझ लीने, वो यार इनफॉर्मेशन ज्ञान नहीं होंगी। इतने पढ़ा ने, मैं तुहानूं एक उदाहरण दिना बड़ी खूबसूरत, तुसीं रिलैक्स भी हो जाओगे, कि अलजबरे दे सवाल पढ़ाई जांदा, ये आनंदपुर की धरती है, आनंदपुर की धरती तो एक ही देना है,
ਤੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲੈਣ ਕੋ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਹਰ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ 6.25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੰਗਜੇਬ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜੀ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਡੇਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਰੰਗਜੇਬ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਯਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਲੋਜੀਕਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੁਆਰ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਕਾਰੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਬੀਟਰੇਲ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਕਾਲਫ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੜੂਗਾ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸਪਰੇਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ
कि दूसरी खबर जी मिलती है कि तीन तीन तुम मैं गल दसिया कि एक इनफॉर्मेशन होंगी है एक स्पिरिट होंगी है तो एक होंगे रहस रहस के मित्र प्यारो बोल नहीं होंगे अखा की रमज पछाणी जाती है बोलों की लोड़ ही नहीं उन्हें अपनी महबूब दियाँ अखा च अखा पा के वेख्या तो उन्हें ज्ञान हो गया कि मेरी मुहब्बत की मांग रही है तो इनफॉर्मेशन की सी कि पातशाह गुरु पातशाह का खुफिया तंत्र इनफॉर्मेशन दे रहा है मैं दस दौ जो खत्म कर मैं आ करके अगला फिर हाँ फिर कर लो क्योंकि ये तीन गल्लां जिहड़ियां तुहाडी चेतियां दा जे पहली गल तो तुहाडी चेतियां दा होनी कि गुरु ग्रंथ साहिब लिखित परंपरा चो है इको ही धर्म ग्रंथ है एंड प्रूव इट दूसरी तुहाडे चेतियां च होनी चाहिए है कि गुरु गुरु नानक सच्चा पातशाह इको ही कलम का पैगंबर है दूजा है ही नहीं तो तीजी मैं अपना तुहानूं दस रहा कि इनफॉर्मेशन स्पिरिट ते मिस्टिसिज्म की हुंदा है अगे तुहानूं पेपर दे विच ना पढ़ाउणा है हरपाल सिंह होरां हुण तीसरी जिहड़ी है कि एक मीटिंग होई है किले तो बाहर तो उत्थे केसरी चंद राजे ने मुगलिया हकूमत दे कोलों एक हक लिया है राइट लिया है कि कल नूं जदों किले की दीवार नूं जां गेट नूं हाथी ने तोड़ना है ना मैनू अलाओ किया जाए गुरु गोबिंद सिंह जी का सिर जिहड़ा है जुंडियां तो फड़ के मैं वढ़ना है ये ओरोजनामचे च लिखिया है कि बाबा जी का सिर जिहड़ा है जुंडे जुंडे शब्द माझे चाम करके साढ़े जुंडे शब्द वरते वालों एंड ही परमिटेड उन्हें कहें मारना ही है यार तू मार ली आग्या हूँ गुरु पातशाह का खुफिया तंत्र जिहड़ा है ये खबर पातशाह तक पहुँचाता है कि पातशाह दुनी चंद केसरी चंद ने यह प्रण लिया है हूँ इतने वेखो की कौतक वापरता है जिहड़ा कहें मेरेकल नहीं होंगी इंज ना तुम मेरेकल यार लॉजिक 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 की होंगे है प्यार की दुनिया लॉजिक नहीं होंगे प्यार की दुनिया मेरेकल वापरते हैं कट हैरान हो जाता पंजा साहब जदों सिख अगे खलो गए सी गड्डी दे वो मेरे कल नहीं सी यार मेरे पैर च कंडा वाजे तो मैं भज गया हो जाना तो खलोते ने विचार आउण दे गड्डी ये मेरे कल नहीं तो की है कि पातशाह नूं खबर पहुँच गई तो पातशाह ने उस वेले एक सिख वल वेख्या जिहदा नाम भाई जोध है हालांकि दो नाम आउंदे ने उत्थे पर रोज नाम से लिखे भाई योध नाँ का एक गुरु का जरनैल वोदिया अखा च अखा पा के वेख्या बाबा जी बोले कुछ नहीं तो भाई योध उठा तो उन्हें दसा की क्या उन्हें कहा ओके माई लॉर्ड मी गोइंग आई एम नो बडी नोज वेयर इज गोइंग पातशाह मैं चलिया तो जेडे मेरे वर्गे से हैरान से कि पातशाह तो कुछ बोले नहीं किधर चलिया तो की है कि उधरों हाथी आ रहा है बचित्र घोड़े से सवार हो गया है इधर भाई योध घोड़े से सवार है हाथी दे नागनी वजदी है हाथी चीका मारदा भजदा है तो उस मूवमेंट दे विच भाई योध जिहड़ा है घोड़े नूं वड्डी लाउंदा है तो घोड़े हाथी की बैक साइड पर क्योंकि केसरी चंद हाथी नूं शिशकार के लेके आ रहा है तो इको एक इंस्टांस है सिख मुगल युद्ध दे विच जदों किसी की पग लाई गई है कोई घटना नहीं मिलती किसी की पग ईवन मतलब वेखो गुरु हरगोबिंद साहब ने ढाल की छां कर दी सी ना कि पेंदे खां कि ये जर तो अपना भी मेरा मेरा महबूब है मेरा यार सी तो इको ही घटना है कि पग लाते कौन लाता है भाई योध तो लाता कह केसरी चंद की सब तो पहला कि जो पिछे जाता है तो वो लफड़ मारता है हथियार नहीं मारता क्योंकि जिसने मेरे महबूब की बेइज्जत करने की कोशिश की तो यह किया कि मेरी जुंडे फड़ के वढ़ांगा वो सिर पर पग नहीं सौंधी तो दूसरे पल दे विच की होंदा है कि जुंडे वो हाथ च ने भाई योधे तो सिर वढ़ के पातशाह हजूर के पैरों च रख दिंदा है इट्स कॉल्ड मिस्टिसिज्म कि जिथे शब्द माइनस ने अपने प्रीतम दियां अखां च अखां पा के उहदी रमज नूं अंडरसटैंड कर लिया है तो की तीन चीज़ां ने कि इनफॉर्मेशन स्पिरिट एंड मिस्टिसिज्म ये पड़ा सिख ने तय करने ने तो असी जानकारी नाल ही पल रजे फिरते एक दूजे मोढ़े मारते फिरते हैं एक दूजे के मतलब गल नूं गलमे नूं हाथ पाउण नूं फिरते हैं कि साढ़े कोल इनफॉर्मेशन बहुत है रिलीजन का खेतर मित्र प्यारियो ये जान लो बुरी लगेगी गल क्योंकि जूम ते जा रहा है हो मतलब चलो फेसबुक ते 50 जाने मेरे विरुद्ध मतलब हुणे कृपाना चुक लैणगे पर मैं दावे ना कहना कि असी सिख
रिलिजन दी एकेडमिक्स दे विच इन्ने पिछे हाँ कि साढ़े तो माड़े तो माड़ा भी जिहड़ा रिलिजन है वह भी साढ़े तो अगे है। जेकर तुसी इहो जी कोशिश ना की गोल्डी साहब दो गल्लां ध्यान रखियो मैं थोड़े जे कौड़े शब्द बोलदा ना भाई दुनी चंद दी फरिश्त चलखाउणा है जां भाई जोत दी चलखाउणा है ये फैसला ताडा है। इस करके पातशाह ने फ्री विल दिती है सानू वो की है ना हाथ दीपक अगे की है जी कुएं परे जे हाथ से दीपक होंदिया वी खूह च डिगदिया सिख तो फिर डिगो फिर तुहानू किहड़ा करना हाथ च दीवा है। मेरे एक बड़ा सोहना बंद है मैं तुहानू दसदा कि मैं चरस्ते विच दीवा जगा दिता है मैं चरस्ते विच दीवा जगा दिता है दीवे का काम रोशनी देना है राह दसना नहीं रस्ता तो तुहानू चुनना पएगा। गुरु नानक पातशाह ने दीवा जगा दिता है वो साढ़े सामने है जिदे बारे आप अगले 50 मिनट गल करांगे। भुलां चुकां दी खिमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोई सवाल हो यू कैन पुट द क्वेश्चन ऑन मी थ्रो द क्वेश्चन विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी हरां दा जिन्हां ने विषय के बैरियर्स नूं तोड़दे होए एक इस तरीके नाल इस कोर्स की अज आरंभता की है जिहदी सचमुच सानूं लोड़ सी। पहले जदों आपां इह सारा कोर्स जिहड़ा तुसीं पिछे पढ़ रहे हो गुरु मान्यो ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे लई गुरु ग्रंथ साहिब शॉर्ट टर्म कोर्स इस कोर्स का नाम है तो यह बिल्कुल ठीक है कि सानूं पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे बेसिक नॉलेज यह होनी बहुत जरूरी है तो डॉक्टर साहब ने बड़े विस्थार दे विच यह आरंभता की है। इस ही विषय में हुण आपां टी ब्रेक लेना है नाल हाल दे विच आप जी दे लई चाह तैयार है 10-12 मिनट के बाद आपां फिर इत्थे मिल के डॉक्टर साहब कोलों अगले विचारां दी सांझ सरवण करांगे। 10-15 मिनट दे लई टी ब्रेक है जी उस तो बाद फिर आपां दोबारा अगले लैक्चर लई मिलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की